प्यारे दोस्तों, शमशान और ध्यान, इस विषय पर कुछ बातें करते हैं। देखिए, शमशान हम में से हर एक को जाना है। कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो आप शमशान में जाकर थोड़ी देर बैठकर देखना, ऐसी कोई जगह ढूंढ लेना जहाँ पर कुछ कब्रें हों, बहुत सारी कब्रें हों तो और भी अच्छा रहेगा। वहाँ जाकर बैठ जाना, वहाँ बड़ा सन्नाटा रहता है, वहाँ कोई नहीं रहता, एकदम सुनसान, एकदम बियाबान। बीच बीच में कभी कोई डेड बॉडी आ जाती है, कोई किसी का अंतिम संस्कार फंडन करने आ जाते हैं लोग। तो वहाँ पर बैठकर आप अपने मनोभावों को देखना, क्या आपके अंदर सुख की कोई लालसा, कोई चाहत उठती है क्या? क्या दुख के कोई भाव उठते हैं? या किसी चीज़ को खोने का कोई गम सताता है? या किसी चीज़ को पाने की कोई चाहत अंदर से उभर के आती है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक वैराग्य सा जन्म लेने लगता है। ये जो वैराग्य है ना, इससे एक शून्य प्रकट होने लगता है। इस शून्य को साधने का नाम ही ध्यान है। ध्यान का मतलब क्या है? जहां न कुछ पाने की चाहत, न कुछ खोने का अफसोस, वो जो मन स्थिति है उसी को ध्यान कहते हैं, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। वहीं से ध्यान की यात्रा की शुरुआत होती है। तो जब आप ऐसी जगह जाकर बैठ जाओगे, और अगर आप ऐसी जगह नहीं बैठ सकते तो मन ही मन में कल्पना करना आँख बंद करके कि आप ऐसी जगह बैठो जहाँ पर शमशान है, जहाँ पर कब्रिस्तान है और बहुत सारी कब्रें और आप अकेले बैठे हुए हो। आँख बंद करके बस कल्पना करना, तो मन के सारे भाव विदा हो जाएंगे। देखिए, भाव भी विचारों का सूक्ष्म रूप है, इनसे भी मुक्त होना है। विचारों से तो हम मुक्त होने की बात करते हैं, हालांकि हो उनसे भी नहीं पाते, बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसका जो अगला कदम है वो है भावों से मुक्त होना। जब आप भावों से मुक्त हो जाते हो तब ध्यान का प्रारंभ होता है, तब शुरुआत होती है ध्यान की। इसलिए ध्यान के लिए लंबा अभ्यास करना पड़ता है, रोज रोज अभ्यास करना पड़ता है, तब ध्यान निखरता है, तब और निथरता है, तब झील शांत होती है मन की, लहरें शांत होती हैं और उसमें चांद का अक्स नजर आता है। क्योंकि जैसे ही आप शमशान में बैठने की कल्पना करते हो या बैठते हो तो क्या होता है, मृत्यु का स्मरण आने लगता है। मृत्यु का स्मरण आते ही मृत्यु दिमाग में जैसे ही छाने लगती तो क्या होता है, मन और शरीर के होने का भाव मिटता चला जाता है। जब हमारे अंदर से ये भाव मिट जाता है कि हम मन और शरीर नहीं, तो ध्यान प्रकट होने लगता है, वो अंतर चेतना प्रज्वलित होने लगती है, जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। उसे हम जानने और समझने लगते हैं, वो सदने लगता है, उसे साधना पड़ता है, धीरे धीरे बैलेंस बनाना पड़ता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो जो अंदर की चेतना है जिसे आप जान लेते हो, फिर उसे हमेशा उसी को ही जीते रहते हो, उसी में ही जीते रहते हो। मन होने का भाव, शरीर होने का भाव हमेशा विदा हो जाता है। तो इसकी विधि क्या है, आप अपने मन में या तो कल्पना करो कि आप शमशान में बैठे हो, 15-20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे इस ध्यान को कर सकते हो। बिस्तर पर लेटे लेटे रात को सोते समय कर सकते हो, बहुत गहरी नींद आएगी फिर आपको। या फिर आप स्वयं अगर सचमुच शमशान में जा सको तो और भी अच्छी बात है। और फिर वहाँ आपके अंदर से जब सारे भाव गिर जाएं तो आप शून्य में समा जाओगे, शून्य में। देखिए, मृत्यु क्या करती है, हमारे मन और शरीर को मिटा देती है और कुछ भी नहीं करती। मौत क्या है, जैसे आप बहुत स्पीड में अपनी गाड़ी ले जा रहे हो, एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आया तो आप क्या करते हो, अपनी स्पीड को लगभग ख़त्म कर देते हो। स्पीड ब्रेकर का मतलब क्या कि वो अवरोध जो आपकी स्पीड में ब्रेक लगा दे। तो क्या होता है, स्पीड ब्रेकर आता है तो अपनी गाड़ी को एकदम स्लो कर देते हो और फिर धीरे से स्पीड ब्रेकर को पार करते हो और फिर स्पीड अपनी कंटिन्यू कर लेते हो। तो मौत भी क्या है, आपके जीवन की यात्रा में एक ब्रेकर की तरह है, जो क्या करती है, पुराने मन और शरीर को त्याग देती है और फिर नए शरीर और नए मन को धारण करके नई यात्रा शुरू करती है। तो आपको क्या करना है, ये जो चेतनाओं के परिवर्तन के बीच की स्थिति है, इसको पा लेना। अगर आप इसको पालोगे तो फिर आप पाओगे, मैं मन और शरीर तो था ही नहीं, मैं व्यर्थ ही जंजालों और झंझटों में फंसा था। जैसे जैसे आप शून्य में अपने मन को साधने लगते हो तो आपके विचार बड़े प्रबल हो जाते हैं, बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं, आपकी बातों में एक ओज और एक तेज पैदा हो जाता है, लोग आपसे प्रभावित होने लगते हैं, आपकी समस्त इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगती हैं। ध्यान से यही लाभ होते हैं, और इतने ज़्यादा लाभ होते हैं, इतने ज़्यादा लाभ होते हैं कि उन्हें शब्दों में बताना नामुमकिन है। अगर ध्यान से होने वाले फ़ायदों के ऊपर ही मैं बोलूं तो बोलता ही रहूं, एक बहुत मोटी किताब लिख सकता हूं इस पर, कभी लिखूंगा ज़रूर अगर वक्त मिलेगा। तो इस मेडिटेशन को करिए ज़रूर,
और करने के बाद मुझे फीडबैक भी दीजिए, आप बहुत जल्दी हल्के हो जाएंगे। बड़ी तेज गति का ध्यान है और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने लगते हैं और आप गहरे में उतरने लगते हो। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप करेंगे जरूर, करके जरूर देखेंगे। शुक्रिया।